रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब लिमिटेड, रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब का पैसा कब मिलेगा? दोस्तों आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 24 दिसंबर 2023 की हमारे पास ये अपडेट आई थी। बड़ी अपडेट क्या है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है, चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब की जो हमारे पास अभी ताज़ा अपडेट आई है वो क्या है। रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब लिमिटेड ITSC मुंबई की एक कंपनी है, जैसे कि सब जानते हैं, जो देश भर में विभिन्न होटल और खुदरा खाद्य श्रृंखला चलाती है। पता चला था कि फर्म सामूहिक निवेश योजनाओं CICS में शामिल थी और उसने निवेशकों के हजारों करोड़ों रुपए जुटाए थे। कंपनी ने निवेशकों का सम टाइम शेयर हॉलिडे प्लान प्रदान करने के नाम पर पैसा जुटाया। 2014 में पूंजी बाजार नियामक सेबी ने रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब लिमिटेड RTSC और उसके निर्देशकों और प्रमोटरों को निवेशकों के धन जुटाने से रोक लगाया था। हालांकि कंपनी ने एक नाम साइट्रस चेक इन लिमिटेड का उपयोग करके अपना संचालन जारी रखा, यानी कि कंपनी का नाम बदला और काम जारी रखा। अगस्त 2015 में सेबी ने रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब लिमिटेड को अवैध रूप से रुपए से अधिक धन जुटाने के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से रोका था। जनता से 2656 करोड़ का दावा किए गए रिटर्न के साथ निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए कहा। हालांकि कंपनी सेबी के निर्देशों का पालन करने में विफल रही। तो दोस्तों ये तो सब जानते हैं, आगे ये है कि इस साल की शुरुआत में यानी कि 2023 की शुरुआत में सेबी कंपनी द्वारा अवैध रूप से जुटाए गए निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए 15 जुलाई 2022 को रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब लिमिटेड की संपत्ति की लीलामी का आदेश दिया था। लीलामी ऑनलाइन होनी थी और संपत्तियों की जमीन, पार्लर, कार्यालय, परिसर, आवासीय फ्लैट, भूखंड, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन, दादरा नगर हवेली में स्थित भवन शामिल थे। कंपनियों की संपत्ति और संपत्तियों की नीलामी में जुटाई गई रकम का इस्तेमाल जमाकर्ताओं को पैसे वापस करने के लिए किया जाएगा। रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में नवीनतम समाचार और नोटिस जल्दी ही जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर रॉयल ट्रिंकल स्टार क्लब की संपत्तियों को बेचने का एक प्रारूप तैयार किया गया है और कब ये प्रॉपर्टी बिकेगी, जब ये निवेशकों को पैसा मिलेगा। तो दोस्तों अभी उम्मीद की किरण बाकी है, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है निवेशकों को पैसा मिलने का। अभी कोई प्रोसीजर हमारे सेबी रिफंड की तरफ से नहीं आया, यानी कि सेबी की तरफ से कोई इस तरह का पैसे देने का प्रोसीजर अभी हमारे सामने नहीं आया, लेकिन भविष्य में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही निवेशकों का निवारण होगा, वो भी प्रॉपर्टियां बेचकर। तो दोस्तों ये थी रॉयल ट्रिंकल स्टार साइट्रस चेक इन से रिलेटेड एक ताज़ा अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।